के देश से जिसको कि समर्थन मिलता है, सहयोग मिलता है, संरक्षण मिलता है, उसके द्वारा यह ऐसी दुशासिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। यह निश्चित रूप से हमारी सेना सक्षम और सामर्थ्यवान है दुश्मनों के घर में भेद कर करके हमला करने के लिए, लेकिन हमारे जो जवान शहीद हुए हैं वो निश्चित रूप से पीड़ाजनक है, दुखदाई है, मर्मांतक है। पूरा देश आज गमगीन भी है। देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का सवाल है और कोई प्रायोजित हिंसा है तो स्वाभाविक रूप से प्रायोजित हिंसा का सामना करना पड़ता है, लेकिन मुकाबला करने में हम सक्षम हैं। वो कायराना हरकत करते हैं तो कायराना हरकत वाले को सामर्थ्यवान सेना जवाब देने के लिए तैयार है और सक्षम भी है। देश का विदेश नीति का इतिहास रहा है कि भारत और जब सोवियत संघ था, आज तो रूस के तौर पर है, हमारे बेहतर और दोस्ताना संबंध रहे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के हम अगुआ रहे हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रूस जाना, वहाँ के राष्ट्रपति द्वारा स्वागत करना, तीसरे कार्यकाल के लिए बधाई देना और राष्ट्रीय हित के बारे में मंतव्य देना, यह तो देश के लिए आत्मगौरव का विषय है। मणिपुर की हिंसा की घटना के बाद सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने हस्तक्षेप किया था, तमाम राजनीतिक दल के लोग वहाँ गए थे कि जो सामाजिक विभेद की घटनाएं हो रही है, हिंसा की घटना हो रही है, पलायन की घटना हो रही है, सब पर चिंता व्यक्त करते हुए, और गृह मंत्री अमित शाह जी भी वहाँ विभिन्न बैठक किए। अब माननीय राहुल गांधी जी देश के विपक्ष के नेता है, उनको अधिकार है अपना मंतव्य देने का, अनुरोध करने का, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि राजनीति के एजेंडा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि दोनों सामाजिक समूहों में जो अंतर विरोध फैला है उसको नियंत्रित किया जाए और सद्भाव का वातावरण बनाया जाए। अब उन्होंने क्या मंतव्य दिया मैं नहीं समझ पाता। मैं इतना जरूर समझता हूँ कि देश में मणिपुर की घटना ने झकझोरा है, सर्वदलीय पहल की जरूरत है। राजनीतिक टीका टिप्पणी से बेहतर है कि सर्वदलीय पहल अंजाम रूप में दे। ये तो न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र का मामला है, ईडी ने अपनी भूमिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में तय किया है, तो न्यायपालिका उस पर तय करेगा। सब्जी उत्पादन वैसे दौर में जब वर्षापात हो रहा हो तो स्वाभाविक है। अब बाढ़ की स्थिति भी है विभिन्न जगहों पर, दियारा के इलाके डूब गए हैं, तो सब्जियों के दाम तो बढ़ेंगे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन आपको अंतर क्या पड़ता है इसका? इसको पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन हो तो आप तो सब्जी उत्पादन करिए, गरीब लोगों को दान में दीजिए, आप पर क्या असर सब्जी के महंगाई का पड़ेगा? सब्जी जैसी एक महत्वपूर्ण जो खाद्य पदार्थ है, इसकी चुनौती जनता जानती है कि चूंकि प्रकृति में जो बदलाव आया मॉनसून आने के बाद, महंगाई इसमें बढ़ती है, इसको स्वीकार करने में कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका आपको भाजन बनिएगा यह आपके जैसे राजनीतिक जमींदार परिवार में तो संभव नहीं है। बीमा भारती जी अति पिछड़ा समुदाय के हैं, लोकसभा चुनाव में माननीय तेजस्वी यादव के 3 दिन चुनावी प्रचार के बावजूद 27,220 वोट नीचे से फर्स्ट कर गई, तो रोहिणी आचार्या के लिए माननीय लालू प्रसाद जी 22 दिन छपरा रहते हैं, तो बीमा भारती तो अति पिछड़ा समुदाय की थी तो क्यों नहीं वहां 5 दिन रह जा करके? तो राजनीतिक रूप से हलाल कर दिया, अब लोकसभा में पेट नहीं भरा इससे, तब विधानसभा चुनाव लड़वा दिया, जिससे कि आप राजनीति में अति पिछड़ा समुदाय अपने औकात पर खड़ा हो जाए। अरे हम तो 5 टिकट दिए, वहां तो संभवतः 1 ही टिकट दिया, वो भी राजनीतिक रूप से हलाल कर दिया।